अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। यह घटना 26 जुलाई को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच की है। यह पोर्टब्लेयर के बिबलीटान के रहने वाले व्यक्ति, जिनका नाम जय नारायण था, जिनका शव सिप्पी घाट से बरामद किया गया। यह व्यक्ति मछुआरा था। उनके घर में उनकी पत्नी और दो बच्चे रहते हैं। 26 तारीख को सुबह 4 बजे जय नारायण मछली पकड़ने गए हुए थे, जिनके बाद वे लापता हो गए। पुलिस कर्मियों की जांच पड़ताल के बाद उनका शव सिप्पी घाट से बरामद किया गया। आइए वहां के स्थानीय एक्स जिला परिषद मेंबर राजगोविंद इस विषय पर क्या कह रहे हैं, देखते हैं। मैं न्यूज आप तक से बोल रहा हूं। सर, अपना परिचय बताइए। सर, मैं एक्स जिला परिषद मेंबर सिप्पी का ग्राम पंचायत से बोल जी। आपका नाम? मेरा नाम राजगोविंद है जी। जी, और ये घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। ये घटना जो है कल सवेरे 6:30-7 बजे के आसपास हुआ है। जिमलेटन गांव का एक रहने वाला व्यक्ति था, उनका नाम था जय नारायण। ओके। कल सवेरे जो है सवेरे 4 बजे वो अपने घर से निकला था। जो मछली सवेरे चार बजे निकला था घर से, झींगा और मछली जो भी है इसका करता था काम। ये तो बेटा का साथ, अपना छोटा जो बेटा है ये काम, ये तो मैं खुद देख रहा हूँ इसको, 3-4 साल से ये काम कर रहा है। ओके। और घर पे इनका कौन कौन है? इनके घर पे इसकी बेटी है, इनके एक बेटा है और इसकी पत्नी है साथ में। ओके। बच्चे कितने उम्र के होंगे? बेटा शायद 15 साल का है और बेटी 17 साल की है। ओके। और घर पे कमाने वाला कोई और व्यक्ति? नहीं नहीं, ये सिंगल एक आदमी है जो कमाता था। ये अपना घर को पूरा अपना ये संभालता था जी। तो ये क्या है, प्राइवेट काम, जैसे कि पेंटिंग करना, किसी का बगीचा में काम करता, सब तरह काम ये करता था। मजदूरी करता था, लेबर आदमी था, सब तरह काम करता था ये। तो कल हमको खुद कल सवेरे 7:30-8 बजे एक कॉल आया, जिसमें हमको पता चला कि ऐसा एक व्यक्ति डूबा हुआ है। ओके। जब हम लोग गए तो पता चला कि जयनारायण डूब गया। तो हमेशा मैं भी खुद को देखता था कि वो जोड़ा हिलान पुल में झींगा मच्छी वगैरह मारता था जाल से। जी, तो आपको किसके द्वारा मालूम पड़ा सर? हमको ना, हमारा गांव का एक व्यक्ति फोन किया था, तो वो फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पुलिस यहाँ पे आया है, पूरा भीड़ है, तो आओ। जैसे जी आप गए तो पुलिस आ गए थे वहाँ? पुलिस और हमारा मार्कोस फायर विकेट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चार डिपार्टमेंट वहाँ पहले से था। जब मैं गया तो सर चारों डिपार्टमेंट पहले से था जी, वहाँ पे था जी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था जी। हाँ हाँ, तो उनका सर्च एंड रेस्क्यू जो है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट मार्कोस और हमारा फायर विकेट की तरफ से शाम को 6 बजे तक लगातार कल चला जी, लेकिन बॉडी नहीं मिला। कितने बजे तक चला सर ये? सवेरे जब मैं 8:30 बजे गया तो ये बॉडी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। छह बजे तक मैं वहाँ पे था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि अंधेरा हो गया था, बंद हो गया था जी। हाँ, उसके बाद आज सवेरे दोबारा चालू किया जी, दोबारा चालू किया। तो उसके बाद में जब ये पुलिस डिपार्टमेंट जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था, पुलिस का PMF डाइविंग टीम जो, उनको ये बॉडी मिला। उनको ये बॉडी मिला। कितने बजे तक मिला होगा ये? 10:20 से 10:25 के बाद है, 10:20 से 10:25 के आसपास की बात है। ओके। तब जो है बॉडी मिल गया, 10:30 बजे वहीं पे था, मैं भी वहीं पे था जी। 10:30 बजे तक बॉडी मिल गया था? मिल गया था जी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया बॉडी? अब वहाँ पे SP साहब आए, हमारा पुलिस का जो SP साहब था, SHO साहब सब आए। उसके बाद एक्चुअली हम उनको पहचान नहीं रहे कौन है, SP साहब से, जो भी SP साहब से, SP SHO वगैरह सब आए। उनके बाद उसको बॉडी को जो है इसके PME के लिए भेजा गया, जीवंत हॉस्पिटल। वहाँ से करने के बाद में वहाँ से 4 बजे उनको बॉडी दे दिया गया फैमिली को, शाम को 4 बजे। हाँ, 4 बजे, 4 बजे फैमिली को हैंड ओवर किया गया। ओके। उसका अंतिम संस्कार हो गया क्या? भेजे अंतिम संस्कार हो गया 5 बजे में जंगली घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ओके। आप लोगों ने उनके फैमिली के पास में गए थे? हाँ, फैमिली के साथ मैं गया था, क्योंकि मैं जिला परिषद भी हूँ और मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो उनका जो फैमिली है मेरे गांव, मेरे घर से कुछ 700-800 मीटर दूर के आसपास ही है।
तो मैं उनसे जाके मिला हूँ, जो भी करना था हम लोग करे उनके लिए। थैंक यू सर आप बात करने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, न्यूज आप तक के साथ में, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।